हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केटी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे बार काय बार बॉडी क्या होता है। तो हम क्लास 12 में जो एनसीईआरटी है उसके बेसिस पे देखेंगे कि बार बॉडी बार काय क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बार और बर्ट्रम, दो लोग थे। और इसमें 1949 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर देखा कि जो बिल्ली की त्वचा होती है और उसकी जो मुखगुहिका होती है उसकी श्लेष्मिका के अंदर की जो कोशिकाएं थी उस कोशिका का उन्होंने स्टडी किया। तो इस तरह से उनको संरचना दिखी, तो उस संरचना के अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उनको कोशिका का दिखा। और उसके केंद्रक में उन्होंने देखा कि जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, अर्थात जो असमजात टाइप के जो गुणसूत्र होते हैं उसके जो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं, उसके अलावा जो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के किसी एक साइड में कुछ स्टेन धब्बे की जैसी संरचना दिखाई देती है, कुछ एक छोटी सी संरचना दिखाई देती है, काली सी, काफ़ी स्टेन होती है, गहरी संरचना दिखाई देती है, उसी का नाम इन्होंने क्या दिया, बार बॉडी। तो बार बॉडी किसमें खोजी गई कि बिल्ली की त्वचा और मुखगुहिका की जो श्लेष्मिका थी उसमें खोजी गई, बार और बर्ट्रम नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1949 ईस्वी में। अब यही जो बार बॉडी थी ये मनुष्य की कोशिकाओं में, खास करके उनके जो सिक्स सेल होती हैं, स्पर्म और ओवम सेल होती हैं, बाकी जो शरीर की अन्य कोशिकाएं होती हैं, दैहिक कोशिकाएं होती हैं, सोमेटिक सेल होती हैं, उनके अंदर भी ये बार बॉडी प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से जो बार बॉडी वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।